बढ़ते हैं हम आगे और अब हम रुख करेंगे यूपी का। आज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता नरेश अग्रवाल बीजेपी में शामिल हो गए और आते ही उन्हें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की डांट मिल गई। दरअसल नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी से इसीलिए नाराज हुए क्योंकि एसपी ने जया बच्चन को राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया। नाराजगी बढ़ी और नई पार्टी का दामन थामा तो नरेश अग्रवाल ने जया बच्चन पर अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसके बाद बीजेपी को सफाई भी देनी पड़ी। एक फिल्मों में डांस करते हैं, अपना रोल करते हैं, वो लोग उनके नाम पर हमारा टिकट काटा गया। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नरेश अग्रवाल का ये बयान जया बच्चन के लिए है, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा का अपना उम्मीदवार बनाया है। जया बच्चन को टिकट दिए जाने से नरेश अग्रवाल इतने नाराज हुए कि वो भूल गए कि जया बच्चन एक महिला हैं और उनकी मर्यादा का ख्याल किया जाना चाहिए। शायद इसीलिए सुषमा स्वराज ने उन्हें फौरन उनकी गलती का एहसास भी करा दिया। ट्वीट कर सुषमा ने कहा कि श्री नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जया बच्चन जी के विषय में उनकी टिप्पणी अनुचित एवं अस्वीकार्य है। चाहे चलचित्र में हो, चाहे जीवन के किसी भी पहलू में कोई कार्यकर्ता हो, हर कोई आदरणीय है। भारतीय जनता पार्टी हर किसी का सम्मान करती है, वी रिस्पेक्ट ऑल। राजनीति में एक गंभीर तरह के बयान देने चाहिए व्यक्तियों पर इस तरह कर, और किसी भी व्यक्ति पर और खास कर महिलाओं पर इस तरह के बयान और टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। वैसे नरेश अग्रवाल ने पहली बार बदजुबानी नहीं की है। आपको याद दिला दें, राज्यसभा में भी वो हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान दे चुके हैं, जिस पर खूब हंगामा हुआ था। विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिन में माता जानकी और ठर्रे में हनुमान सियावल रामचंद्र की। समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब उन्हें राम की याद नहीं आ रही। देवी देवताओं को गाली देने वाले राम भक्त नरेश अग्रवाल बीजेपी को मुबारक, जिसने कहा कि ठर्रे में हनुमान दिखते हैं। उन राम भक्तों को आज उसी व्यक्ति को लेने में कोई परवाह नहीं है। कहते हैं ना कि राजनीति में दुश्मन कब दोस्त में बदल जाए कहा नहीं जा सकता। ये वही नरेश अग्रवाल हैं जो कभी बीजेपी को पानी पी पी कर कोसते थे, लेकिन अब नरेश अग्रवाल को मोदी जी और योगी जी अच्छे लगने लगे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से भी प्रभावित हूँ, योगी जी भी से भी प्रभावित हूँ। लखनऊ से उमेश पाठक के साथ पंकज झा की रिपोर्ट। दिवांग नरेश अग्रवाल की इस तरह की फितरत रही है, इस तरह के बयान वो पहले भी देते रहे हैं, लेकिन बीजेपी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप ऐसे नेता को अपनी पार्टी में लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही पूछ रहा हूँ। आप 21 राज्यों में आपकी सरकारें हैं, आप ऐसे व्यक्ति को लेते हैं जो लगातार अनलगर बयान देते हैं, जो लगातार घटिया बयान देते हैं। आपको इतना तो समझ में होना चाहिए कि, और खास तौर पर ये जो फिल्म के जो एक्टर्स हैं, एक्टिंग के बारे में नाट्य शास्त्र कहा जाता है उसे। आपने बाकायदा संस्कृत में लिखी हुई किताब है जिसको कहा जाता है, भरत मुनि ने लिखी है। आपने अगर और कुछ नहीं किया हो तो नरेश अग्रवाल जी, समय है, उसको पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि इसको शास्त्र क्यों कहा जाता है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह के हल्के बयान देते हैं तो कोई आप बहुत फ़ायदा नहीं करते हैं आपका, और ख़ासतौर पर बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी जिस जो पूरे देश में पार्टी है, उसमें अगर इस तरह के नेता हों तो हर दूसरे दिन बीजेपी को कदम पीछे हटाना पड़ेगा, अपने नेता का बचाव ही करते रहना पड़ेगा। ये जो बयान इन्होंने दिया राज्यसभा में, मुझे याद है मैंने ये देखा था लाइव टीवी पर, और वहाँ अरुण जेटली मौजूद थे जो लीडर हैं, और उन्होंने कहा स्पीकर को कि भाई इसको एक्सपंज कीजिए, क्योंकि अगर ये बाहर इस तरह का बयान दें तो इन पर मुकदमे हो जाएं, इनका बाहर रहना मुश्किल हो जाए। तो ये बयान इस तरह के, सिर्फ ये बयान देते हैं, करते बढ़ते तो कुछ है नहीं। जया बच्चन के लिए तरह तरह की बातें करते, भाई आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं आप। राज्यसभा पहुँचते हैं, सिर्फ इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, आपकी क्या खासियत है? इसके अलावा तो आपकी कोई खासियत नहीं, कोई आपको इल्म नहीं, कोई आपके पास हुनर नहीं, आप ढंग से भाषण भी नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठकर या टीवी के सामने 20 सेकंड 15 सेकंड के बयान दे सकते हैं, ये आपकी खासियत है। यही खासियत है, और इतना भी तरीका नहीं है कि महिलाओं के सम्मान में, किसी भी व्यक्ति के सम्मान में किस तरह से बात की जाती है, और ये खुद को राज्यसभा का सांसद कहते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।